आपकी वसातत से मैं एक और चीज़ क्लारीफाई करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि जी हमारा जो टैरिफ है बढ़ाया गया है और जो बिल हमारा पहले 690 आता था वो 1800 हुआ है, 1300 हुआ है, तो हमें हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि नॉन मीटर्ड एरियाज़ में सिर्फ 15% की टैरिफ हाइक हुई है विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of December। जहाँ तक उनके रेज बिल्स का ताल्लुक है तो दिस इज़ लोड रिविजन। कोई कंज्यूमर 0.75 किलोवाट के लोड पे है, उसका लोड हमने रिवाइज किया है, एक्चुअल कंजम्पशन के मुकाबले में वो फिर भी बहुत कम है, लेकिन हमने लोड्स को रिवाइज किया है कीपिंग इन व्यू देयर एडिड कंजम्पशन ऑफ एनर्जी यूनिट्स। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोशिश हमारी ये है कि जितने शख्स जो भी लोड इस्तेमाल कर रहे हैं उसी हिसाब से उनका लोड रिविजन हो। तो हमें उम्मीद है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, 11.5 लाख कंज्यूमर्स हैं जिसमें इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स आते हैं, ये अपने पेंडिंग एरियर्स जो हैं वो क्लियर करेंगे, अदरवाइज द KPDCL विल बी लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू डिस्कनेक्ट। विद द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स एंड स्पेशल एफर्ट्स जो हमारे इलेक्ट्रिक डिविजन्स के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, उनकी सब डिविजनल लेवल की टीम्स हैं और जो नीचे हमारे फील्ड स्टाफ है, उन्होंने दे हैव डन अ रिमार्केबल जॉब। और डिस्पाइट द कटेलमेंट इन द एलोकेशन, हमारा जो लोड कटेलमेंट प्रोग्राम है LCP जिसे हम कहते हैं, वी हैव बीन एबल टू स्टिक टू इट। और पिछले कम से कम 2 महीनों में हमने डिस्ट्रेस कट का इम्पैक्ट नहीं होने दिया है जो ग्रिड लेवल पे लगते हैं, जिसे हम SLDC कट्स कहते हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो इंस्पेक्शन ड्राइव्स हैं उसमें वी हैव फोर्स पीपल नॉट टू हुक। आमतौर पर बहुत सारे लोग जो हैं हमने पकड़े हैं, हमारे पास हज़ारों की तादाद में वीडियोस हैं जहां पर हमने हुकिंग करते हुए लोगों को पकड़ा है, उनके खिलाफ़ हमने कार्रवाई भी की है। साथ ही साथ जो हमारी जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की वजह से जो हमने एक इंसेंटिव बेस स्कीम शुरू की है, जिसमें हमने 33 अपने जो फीडर्स हैं उनको 24/7 किया है। हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट मीटिंग में इसमें और फीडर्स ऐड होंगे ताकि हम इसको 50 के आसपास ले जाएं। इन सब्सिक्वेंट टाइम्स में हमारी कोशिश होगी कि पहले हम 100 फीडर्स को 24/7 करें ताकि हम इंसेंटिवाइज करें, जिन फीडर्स पे लॉसेस कम होंगे उन फीडर्स को 24/7 बिजली के लिए कंसिडर किया जाएगा। आप